ए बाइक इधर नहीं उधर लगाने का, इधर जगह नहीं है, उधर जा लगा। ए तूने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मुझे फोन आया था कि यहाँ पर अंकल आंटी हैं। यहाँ पर? लेकिन वो यहाँ क्या कर रहे हैं? सीता लक्ष्मी और मुरली कृष्णा के रिश्तेदार कौन है? आओ मेरे साथ। तुम सीता लक्ष्मी को कैसे जानते हो? माँ सर। क्या? मेरी माँ है सर। क्या उन्हें कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स थी? नहीं, कोई हेल्थ इशू नहीं है। और मुरली कृष्णा को? सर दे आर बोथ हेल्दी पीपल, दोनों को कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम्स नहीं है। एनी अदर मेडिकल हिस्ट्री? सर मैंने बताया ना उन्हें कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। सर एक मिनट, मुझे बताइए बात क्या है। क्या तुम्हें नहीं पता? आई एम सॉरी, तुम्हारे पेरेंट्स की कार का एक्सीडेंट हो गया। हा? कार नदी में जा गिरी और वो बाहर नहीं निकल सके। आई एम सॉरी, हमें ऑर्गन कलेक्ट करने के लिए डोनर पेपर पर आपके सिग्नेचर चाहिए, बस फॉर्मेलिटी के लिए। कहाँ है वो? बेटा अर्जुन, घर में कोई नहीं है क्या? क्या फिर से कोई सरप्राइज है? तुम सब हमारे साथ मंदिर नहीं आ रहे हो क्या? जिंदगी में पहली बार मुझे इतनी खुशी मिली है। चला जा। सर 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 सर, इसके अलावा मैं और कुछ नहीं जानता सर। सर नहीं सर, अगर मैं चाहता तो तुझे कब का ऊपर पहुंचा देता, मगर आज मेरा मूड अच्छा है और उसकी तकदीर। चल बता, आखिरी चांस देता हूँ, जल्दी बता लाश के पीछे कौन है। सर मुझे जो पता था मैंने बता दिया सर। तूने वो बताया जो तुझे पता है, मगर ये नहीं जो मुझे सुनना है। बोल बॉम्ब ब्लास्ट के पीछे कौन है? और मैं के अलावा किसी को नहीं। और मैं तेरे अलावा किसी को नहीं जानता। ये देख, इसे देखा तूने कभी? क्या ये सिल्वम है? बोल। नहीं सर ये सिल्वम नहीं है, ये कौन है मुझे नहीं पता है सर। ये मेरा यकीन क्यों नहीं करता? मैंने बोला इसको ये लास्ट चांस है। तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना तरुण? सर सर सर, ये आपने क्या कर दिया? अब ये भरोसा करेगा? ये तुमने क्या कर दिया तरुण? सर तुम्हें मुझे रोकना चाहिए था, गरीब बेमौत मारा गया, अब ढूंढो यार उसे। सर साहब। चुप। हाँ बोलो क्या है? सर वो मेरे पेरेंट्स के केस के बारे में कुछ पता चला। ओ, क्या? वो एक एक्सीडेंट केस था, हमने क्लोज कर दिया। मगर सर हमें लगता है कि कुछ गड़बड़ है। हाँ सर, कोई नहीं जानता ये एक्सीडेंट कैसे हुआ या फिर किसने किया। और सर कार में क्या फॉल्ट था ये भी मेंशन नहीं है रिपोर्ट में। कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर, माँ और डैड तो उस कार में मंदिर जा रहे थे, वो लोग वहाँ कैसे पहुँच गए ये तो हमारी समझ से बाहर है। ठीक है,
आप लोग रिपोर्ट फाइल कर दो, हम केस रीओपन करेंगे। ओके और वो एक्सीडेंट केस की फाइल लेकर आओ। जी सर। जब जिंदा था तो हमेशा बड़ी बड़ी बातें किया करता था। जरा एक मिनट, मैं नीचे आता हूं। दस हजार एकड़ जमीन, 200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, 300 करोड़ का मुनाफा। लोगों को तेरे घोटाले के बारे में मालूम पड़ गया ना तो नोट भी गए और वोट भी गए। लेकिन मैंने धमाका करके लोगों का ध्यान भटका दिया है, ताकि प्रोजेक्ट भी तेरे और मुनाफा भी। मैंने इतना बड़ा एहसान किया तेरे पे, लेकिन तेरा चमचा मूर्ति मेरे को 2 कोड़ी का गली का गुंडा बोलता है। हार्ट ब्रेक कर डाला रे। तो अपन ने नायक मुद्दे की बात पर आओ। मेरे को मेरा हिस्सा दे। कितना चाहिए? 150 करोड़ से एक भी कम नहीं। क्या सोच रहा बे? ये तेरे को बॉम्ब ब्लास्ट के पहले सोचना चाहिए था। नायक ऑलरेडी तुम्हारा पेमेंट कर दिया है, अभी और क्यों मांग रहे हो? वो ब्लास्ट के बटन पर उंगली किसकी थी ये राज रखने के लिए? ये मेरी छोटी सी कीमत है, और ये कीमत मैं बता नहीं रहा हूँ, पूरे हक से मांग रहा हूँ। भाई मुरली के घर वालों ने फिर से केस को खोल डाला है। भाई तेरे को हर बात सिखानी पड़ेगी, उसके परिवार को 4 धाम भेज दे। अंजलि, अंजलि! कौन हो तुम लोग? दीदी आप ठीक हो ना? अंजलि, कहाँ ले जा रहे हो? छोड़ो, कहाँ ले जा रहे हो? अर्जुन, अर्जुन, अर्जुन! Leave me! Arjun! अंजलि जाओ, अंजलि जाओ यहां से। नो, गो। जाओ अंजलि।
NIA कंट्रोल रूम। हेलो, मेरा नाम सुरेश है, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। सर, मेरे पास बॉम्ब ब्लास्ट के बारे में जरूरी इन्फॉर्मेशन है। सर, 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 सभी चेक पोस्ट पर चेक करने को। हेलो, कोई सुन रहा है? हेलो, हाँ बोलिए। क्या हुआ? मैं सुन रहा हूँ। जिन्होंने बॉम्ब ब्लास्ट करवाया था वो मेरा पीछा कर रहे हैं। तुम्हारा पीछा कर रहे हैं? वो कहाँ पर? एबिट सिग्नल का सीसीटीवी कैमरा चेक कीजिए। सर, एबिट, एबिट। ओके, ओके, मैं चेक करता हूँ। ज़ूम इट आउट, ज़ूम इट आउट, क्विक। हेलो अंजलि, कहाँ हो तुम? ओ जी, ट्रेस दिस नाउ। जल्दी से इस कॉल को इंटरसेप्ट करो। ओके सर। हमारी जानकारी के मुताबिक उसकी लास्ट लोकेशन कोटी थी। ये बताओ, पास में कोई इंटरसेप्ट व्हीकल है क्या? उसका पीछा करने वालों को जल्दी। They're already on their way, sir. Good. मॉनिटर 3 पर लाइव फीड चेक करो। तरुण, गेट देम इनटू कस्टडी नाउ। यस सर। क्विक। अर्जुन, अर्जुन रुको, ये सब क्या हो रहा है बताओ मुझे। अंजलि, अंजलि तुम्हारा हाथ। कौन थे वो लोग और मुझे बताओ वो हमारा पीछा क्यों कर रहे थे? धनु और दीदी कहाँ है बताओ? अर्जुन, वो सब लोग ठीक तो है ना? बस एक बार कह दो कि वो सब ठीक है। अर्जुन बोलो, चुप क्यों हो अर्जुन? अभी तक मैं सोच रहा था कि अंकल आंटी का कोई एक्सीडेंट हुआ है, पर ये एक्सीडेंट नहीं है, इसके पीछे कोई साजिश है। तू जो भी बोलना चाहता है साफ साफ बोल। एक्सीडेंट होता तो उनके शरीर में चोट और घाव के निशान होते, पर ऐसा नहीं है। मैंने उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट को चेक किया है, उनकी मौत उनके लंग्स में फ्रेश वाटर भरने से हुई है। हाँ तो मुझे जो रिपोर्ट मिली थी उसमें भी यही लिखा हुआ था। लेकिन पहले वाले रिपोर्ट में इसे मेंशन नहीं किया गया था, उसमें इंडस्ट्रियल वाटर का जिक्र था।
इंडस्ट्रियल वाटर? सुन, अगर अंकल आंटी की मौत नदी में गिरने से होती तो उनके लंग्स में इंडस्ट्रियल वाटर नहीं होता। इतनी भी ऊंचाई से कोई गिरता है तो चोट के निशान होते हैं, उनकी बॉडी में चोट के निशान क्यों नहीं थे? जरा सोच, अगर पहला वाला पोस्टमार्टम रिपोर्ट सही था तो उसे बदला क्यों गया? मुझे पक्का यकीन है कि यह एक्सीडेंट नहीं था। अंकल और आंटी को मार के उसे एक्सीडेंट की शक्ल देने की कोशिश की गई है। मुझे एलेक्स की बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उसने सबूत दिखाए तो विश्वास करना पड़ा। पर यह समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे पेरेंट्स को कौन मारना चाहेगा। दो बातें हो सकती हैं। पहली, उन्होंने मुझसे कुछ छुपाया, या दूसरी, उनकी जिंदगी में ऐसा कुछ हो रहा था जिस पर मैंने ध्यान नहीं दिया। जब हम बहुत खुश होते हैं ना, तो दूसरों के दुख नजरअंदाज कर देते हैं। सच सामने होने के बावजूद आंखें उसे देख नहीं पाती। कुछ लोग वो ढूंढते हैं जो उन्होंने कभी देखा नहीं, और कुछ लोग बस वही देखते हैं जो वो देखना चाहते हैं। हाँ, बहुत रोमांस हो गया। मंदिर नहीं जाना है क्या? माँ, कितनी देर और लगेगी? आ रही हूँ बेटा। उस दिन भी ऐसा ही कुछ हुआ। सब लोग खुश थे सिवाय माँ और डैडी के।